भाई साहब मासूम बंदरों की तरह कहाँ पे चढ़ गया यार। भी बड़ी कमाल की बारिश होने के बाद बकरे अपने फुल नहा के भीग चुके, देखे उनका सारी जगह भी गीली हो चुकी है यहाँ पे। जी वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। सो यार वेलकम बैक हो गया आप लोग अनदर व्लॉग के साथ। सो यार अभी सुबह सुबह उठ चुका हूँ, थोड़ी देर पहले मैं और मासूम हम दोनों गए थे बकरों का सामान यानी कि वो होता नहीं खाते जो जौ वगैरह खाते हैं और वो मकई वगैरह खाते हैं वो लेकर आए थे अभी हम लोग। तो अभी हम उनको जो डालना है वो सारा कुछ लेकर आ गए हैं, उनको अभी डालते हैं जाकर वहाँ तक। मैं तो जा रहा हूँ रास्ते में, मासूम और अंकला पहुँच चुके हैं वो देखे सामने खड़े हैं। सो अभी हम घर में भी जाता हूँ उनके पास। A few moments later. तो जी खाना वगैरह इनका तैयार हो गया, चारा जिन्होंने खाना है उसके अंदर सारा मिक्स कर दिया है। सो अभी चेक करें सारे बकरे किस तरह खा रहे हैं, वो दो बस उधर ही खड़े हुए हैं साइड से। अभी उनको चारा वगैरह डाल के हम लोग यहाँ पर आगे बैठ चुके हैं बिल्कुल फारी को नहलाना है। गर्मी बहुत है यार इस तरफ हमारे इलाके में ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, कहते हैं इनको अभी नहलाना है यार। अभी हमने ना इनको शहतूत के पत्ते वगैरह और थोड़े जामुन के पत्ते उतार कर दिए हैं, ये उन्होंने खाए हैं अभी। तो अभी इनको पानी वगैरह पिलाते हैं तो फिर ये थोड़ी देर इनके उनको वो बना के दिए चारा वगैरह जिनका बनाया हमने तूड़ी वगैरह मिला के, तो वो जब तक ये खाते हैं ना तब तक हम लोग जाते हैं घर। तो फिर घर से वापस आके फिर हम इनके और चारा वगैरह डालेंगे दोपहर टाइम। तो फिर हम कल इनको नहलाएंगे, आज तो नहीं पहले सोचा था कि आज नहलाएंगे लेकिन आज दूसरे बड़े बच्चों को नहलाना है तो वो खुद ही नहलाएं, कल हम इनको नहलाएंगे। चलो यार हंसला को ना अभी हम बाल्टी वगैरह दे देते हैं तो ये उसके अंदर आ जाता है। बाल्टी तो बड़ी भारी है यार, दोनों आस पकड़ी हैं। चलो यार इनको ये पानी वगैरह पिला रहे हैं जब तक, तो फिर हम जाते हैं घर। सुबह घर जाते थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, दोपहर टाइम अब आएंगे, अभी तो टाइम हो चुका है हमारे पास तकरीबन 10:15 हो गए हैं। अभी घर जाते हैं आराम से, व्लॉग वगैरह हमने अपलोड कर दिया सुबह यार, जल्दी जल्दी से जाओ पिछला व्लॉग भी देखो ये भी देखो यार। चलो अभी चलते हैं घर हम लोग। तो अब हम दोपहर को आएंगे तकरीबन 2 टाइम आएंगे, फिर इनको पानी वगैरह डाल कर जो घास वगैरह होगा वो हम डाल के और फिर हम चले जाएंगे। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर वगैरह। तो अभी ये देखो यहाँ पर अंदर मुर्गियाँ वगैरह आज नहीं बोल रही, कल जब मैं आया था बड़ा इन्होंने शोर किया था यहाँ पे, आज मुर्गियाँ बड़ी चुप है और मोर भी बहुत चुप है। क्या लगता है दोपहर टाइम जब आते हैं ना तो ये उस वक्त शोर करते हैं मेरे हिसाब से, नहीं इस तरह मुझे लगता है। चलो अभी हम जाते हैं घर, वो देखो सामने उनको नहलाना है इन्होंने, तो अभी उनको खोल गए हैं तो फिर इनको यहाँ पर नहलाएंगे और फिर इनको दोबारा फिर से बांधने के लिए छाँव में। तो हम जाते हैं घर अभी जाकर रेस्ट करते थोड़ी देर। 6:30 यार मैं अभी उठा था भाई, बारिश बड़ी कमाल की अभी भी हो रही है लेकिन हल्की हल्की हो रही है बारिश। सो मैं जा गया था जाके मैं सो गया था अंदर, तो मुझे भी पता लगा कि यार बाहर बारिश हो रही है। अंदर तो नहाने चला गया था यहाँ से अकेडमी, तो मैं चलो भाई सूरत हाल देख के आते हैं भाई साहब बड़ी कमाल की बारिश हो रही है। लेकिन अभी मैं ना उधर जा नहीं सकता हवेली वाली साइड पे, रास्ते में ना कीचड़ हो गया तो अगर मैं यहाँ पे गिर गया तो कपड़े सारे गंदे हो जाने, पहले मैं नहा लूँ ना तो फिर हमने कहीं काम भी आना दोनों भाइयों ने। तो भी हम जाते हैं पहले काम वगैरह करके आते हैं फिर हम जाएंगे हवेली में वहाँ बकरों की खैर खैर। अरे कहना क्या चाहते हो, खैर खैरियत पूछ के आएंगे उनको देख के आएंगे कैसे हैं क्या कर रहे हैं। चलो यार बारिश अब ना कुछ हद तक यार कम हो चुकी है, तकरीबन देखो सूरज भी निकलने वाला है। तो अभी ना हम यहाँ पर देखो धूप आ गई, हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है अब तो। चलो अभी हम तैयारी करते हैं बाहर जाने की, बारिश भी रुक चुकी है अब तो। तो जैसे ये सूखता है ना सारा इनके कीचड़ वगैरह सूख जाएगा तो फिर हम जाएंगे बाहर। और ना यार थोड़ा सा काम था दुकान से, कुछ सामान लेके आना था मैंने, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे वहाँ पर वापसी सामान लेके आते हैं अभी, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे हवेली। और यार भी बड़ी कमाल की बारिश होने के बाद बकरे अपने फुल नहा के भीग चुके, देखे उनका सारी जगह भी गीली हो चुकी है यहाँ पर। सो अभी सारे बच्चे देख के आ गए कहते चलो अब तला भैया को दिखाएं लाओ, तो मैं इनकी बात सुनकर इधर आया हूँ। अभी अभी बारिश अच्छी खासी हो गई, अब तो धूप भी नहीं है तो पता नहीं कल प्रोग्राम बनता है नहलाने का या नहीं। सो चलो अभी हम लोग इधर आए हैं, कुछ देर इनको देखते हैं अभी क्या करना है इनके साथ। इधर तो आ, हाँ जी हाँ जी बोलो, चलो जाओ आ भी खाना खाओ। चारा इनका सारा गीला हो चुका देखो भाई साहब, पानी के अंदर सारा चारा इनका गीला हो गया। चलो कोई नहीं अभी तोड़ते हैं पत्ते, रुको आपको इनको ऊपर से पत्ते तोड़ के देते हैं फिर ये खाएंगे वो। तो ये एक एक पत्ता ले के आए तोड़ के, ये देखें वो खिलाने लगे हैं अब उसको, एक एक पत्ता इन्होंने तोड़ा है बस। तो चलो यार अभी इनको थोड़ी देर यहाँ पे मस्ती वगैरह करने देते हैं फिर हम जाएंगे इनको लेके अमरूद वाले बाग के अंदर, वहाँ पे जाकर कुछ खिलाए पिलाएंगे। यहाँ वहाँ पे ना ये पत्ते वगैरह होते हैं ना तो वो फिर ज्यादा खाते हैं, फिर ज्यादा खाते हैं वो पत्ते जो हैं ज्यादा खाते हैं, फिर इनको उधर लेके जाएंगे। लो जी कह रहे हैं मुझे ब्लॉग के अंदर ले लो, भैया आप भी आगे ब्लॉग के अंदर खिलाओ उसको। यार अभी हमने इनको बाहर ले आए हैं अभी, तो कुछ देर इनको यहाँ पर रखते हैं फिर इनको हम उस तरह वह बाग है अमरूद वाला वहाँ पर लेके जाएंगे इनको। अभी हम इसको इधर लेके आए हैं बाहर, तो ये घास वगैरह खा ही नहीं रहे पता नहीं क्या हुआ है देखो, बस ये एक अभी भी वापस आ गया। ओए चल उधर खा ही नहीं रहा घास वगैरह देखो, सारे वैसे ही खड़े होंगे। यार अभी ना हम इनको घर लेकर आए हैं तो अंदर बाग से बाहर आ गए, यहाँ पर आए खाई जा रहे हैं दूसरे पत्ते गुलाब के फूल के। हाँ क्या हुआ है तीन जम्मू बस जम्मू 2000 पक्के हुए हैं, ये तोड़ने के लिए आ गया देखो मेरे साथ अभी खड़ा हुआ। चल तोड़ चढ़ क्या हुआ है
यार इनको ना कंफ्यूजन हो रही है, अभी कह रहा है मेरा कौन सा बकरा तेरा कौन सा, जा ढूंढ ले अब निकाल ले, जोन सा मर्जी ले लेना, जोन सा मर्जी ले ले। चलो यार अभी हम इनको थोड़ी देर यहाँ पर और थोड़ा खाते पीते हैं, जो इन्होंने खाना होगा खा लेंगे, फिर हमको ले जाएंगे वापस हवेली में। भाई साहब मासूम बंदरों की तरह कहाँ पे चढ़ गया अभी, चल नीचे आ जल्दी कर। दो जामुन वहाँ पके हुए, इसको नजर आ गया भाई साहब ऊपर चढ़ के बैठ गया है, चेक करो मिले हैं टूटे मिले हैं, कितने तोड़े हैं, घर वाले थोड़े हैं ना। चलो आप भाई जाएंगे, चलो यार अभी हम इन बकरों को ना वापस बाहर लेके जाते हैं यहाँ से, तो फिर अभी हम लेके जाते हैं। देखो मुझे कह रहा बगैर था तू नहीं बचता अभी, तू तो भाई व्लॉग के अंदर आएगा, नंबर वन बंदा तुम्हारा। The next day. यार बकरों को हमने सुबह ही नहला दिया था और अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए उनको कि यार क्या सूरत हाल है, मैं कब से घर आ गया था, खुद भी टूवल में नहा नहा अगर अभी बस हो गई थी मेरी, हवेली जा रहा हूँ अभी मैं, तो वहाँ जाके अभी देखते हैं बकरों को क्या सूरत हाल है, क्या कर रहे हैं वो लोग। अभी तो पहुँच तो गए हैं लगता है, लाइट नहीं है तो सारे बाहर ही बैठे हुए हैं आकर, अभी हम जाते हैं अंदर पहुँचते हैं वहाँ पर देखते हैं यार बकरों की सूरत हाल तो बहुत अच्छी यार, अभी नहाए हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, अभी नए नए लग रहे हैं, पहले ये खाना ही नहीं थे खा रहे गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना इस वजह से खाना नहीं थे खा रहे, तो चलो अभी हमने इनको नहला दिया अच्छे तरीके से। अभी मैंने ना हंजला को भी कॉल किया, कह रहा कि यार मैं आ रहा हूँ घर से अभी, तो उसे कहा मैंने कहा बाइक वगैरह लेकर आओ अभी हम जाते हैं कहीं पर, तो कुछ खा पी के आते हैं, दिल कर रहा है कि यार गन्ने का जूस पिए जाते हैं, अभी गन्ने का जूस पीते हैं अभी जाकर। मैं अब जा रहा हूँ घर यार, अभी देखता हूँ तुमने बाइक निकाली है कि नहीं, लो अभी तक उसने बाइक ही नहीं निकाली, सामने कोई भी नहीं खड़ा हुआ अभी खुद अंदर, वो नहीं निकाल खड़ा हुआ वो देखो जी, उस तरफ से ना नज़र नहीं आ रहा था ये, सो बाहर उसने बाइक निकाल ली, लो जो चला बाइक लेके आता है, तो अभी हम लोग चलते हैं दोनों जाते हैं वहाँ पर गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं। तो यार आप देख सकते हो आपके सामने कितनी कमाल की यार यहाँ पे गन्ने का जूस बना रहे हैं और अभी हम इनको पीते हैं अभी, तो चलो अभी ये बन रहा है तो अभी हम इनसे कहते हैं कि अच्छा सा बनाओ कल, ये जरा अच्छी चीज़ इसके अंदर मिला दे, लेमन वगैरह भी मिला दे और पुदीना वगैरह जो जो, तो सारा कुछ मिला के इसको अच्छा सा बना कर दे दें। गन्ने के जूस के गिलास अपने पास आ चुके हैं, अभी हम इनको पीते हैं तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चलो ये पीना शुरू करते हैं। बड़े मजे का यार अच्छा बना हुआ है, का जूस वगैरह हमने पी लिया, सो अभी हम अंकल को पैसे वगैरह देते हैं फिर हम चलते हैं पूरी यहाँ से। चलो यार अभी हम जाते हैं घर की तरफ और घर जाके पूजा वगैरह करते हैं, अभी जाके रेस्ट करेंगे घर में, फिर दोपहर को जाएंगे अपने बकरों वगैरह को देखेंगे जाके चलो चलते हैं। और का वक्त हो चुका है जोहर की नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम बकरों का हालचाल देखते हैं। लो जी ये रहे अपने बकरे, अभी आधे बैठे हुए हैं धूप में और आधे बैठे हुए हैं छांव में। तो यार ये था अपना आज का ब्लॉग, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओका फिर। तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना